समर शेष है, जन गंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। समर शेष है, चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। राहुल गांधी इस अहंकारी सत्ता के सामने सत्य और जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अहंकारी सत्ता चाहती है कि जनता के हितों के सवाल ना उठे, देश के लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने वाले सवाल ना उठाए जाएं, महंगाई पर सवाल ना पूछे जाएं, युवाओं के रोजगार पर कोई बात ना हो, किसानों की भलाई की आवाज ना उठे, महिलाओं की हक की बात ना हो, श्रमिकों के सम्मान के सवाल को ना उठाए जाए। अहंकारी सत्ता सच को दबाने के लिए हर हथकंडे आजमा रही है, जनता के हितों से जुड़े सवालों से भटकाने के लिए साम दाम दंड भेद छल कपट सब अपना रही है। लेकिन सत्य, सत्याग्रह और जनता की ताकत के सामने न तो सत्ता का अहंकार ज्यादा दिन टिकेगा, न ही सच्चाई पर झूठ का पर्दा रह पाएगा। राहुल गांधी ने इस अहंकारी सत्ता के सामने जनता के हितों से जुड़े सवालों की ज्योति जलाकर रखी है। इसके लिए वे हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। तमाम हमलों, अहंकारी बीजेपी सरकार के हथकंडों के बावजूद एक सच्चे देश प्रेमी की तरह जनता से जुड़े सवालों को उठाने से पीछे न हटे हैं, न हटेंगे। जनता का दर्द बांटने के कर्तव्य पथ पर राहुल डटे हुए हैं। सत्य की जीत होगी, जनता की आवाज जीतेगी। जय हिंद।